أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and welcome back to my channel friends. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो वेजेस, जो मैकडोनल्ड स्टाइल पोटैटो वेजेस हम बनाएंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू. आलू को बहुत अच्छे से मैंने धो लिए हैं, क्योंकि हम जो हैं ये वेजेस बनाने में आलू को पील नहीं करने वाले, इसीलिए बहुत अच्छे से क्लीन आप आलू को धो लीजिए. और उसे आपको बॉईल करना है, प्रेशर बॉईल नहीं करना है आपको. आपको इसे सिर्फ 30% to 40% बॉईल करना है. तो ये देखिए, ये मैं आलू में नमक, तेल और हल्दी डालकर मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है. अब मैं इसमें एक बॉईल आने तक बस मैं इसे पकाऊंगी. आलू मतलब 30% to 40% ही आपके होने चाहिए. आपको इसको प्रेशर बॉईल भी नहीं करना है. ये मेरे आलू है, मेरा एक बॉईल आया है और मुझे 40% मेरे ये आलू जो हैं ये बॉईल हो गए हैं. अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ एक प्लेट में और मैं इसे ठंडा करूँगी और ठंडा करके मैं इसे वेजेस की शेप में काट लूँगी. देखिए, ये हो गए हैं मेरे आलू ठंडे और अब मैं इन्हें काट रही हूँ वेजेस की शेप में. बिना पील किए हुए आपको इसे काटना है. ये बिल्कुल जो है ना फ्रेंड्स, ये मैकडोनल्ड्स के जैसे पोटैटो वेजेस बनते हैं. आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और बच्चे तो इसे इतना पसंद करते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है. तो ये देखिए, ये मैं वेजेस के शेप में इसको काट रही हूँ. आपको इसको फ्राइज के शेप में नहीं काटना है, वेजेस के शेप में काटना है बिल्कुल इसी तरह से. और जब तक ये कट रहे हैं आप अपना तेल गरम कर लीजिए अगर आपको इमीडिएट बनाना है तो. ये देखिए, मेरे सारे पोटैटोज़ जो हैं वो कट गए हैं वेजेस के शेप में, मैंने इसे काट लिया है. अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करने वाली हूँ कॉर्नफ्लावर. हम इसे एक एक ऐसा करके कॉर्नफ्लावर के अंदर नहीं डालेंगे, हम थोड़ा इसके अंदर उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल करेंगे और बस हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे. आपको अभी नींबू नमक वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डालना है. देखिए, ये मैंने कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है और मैं अभी इसे हाथों से अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ. बस अब तेल गरम करिए और गरम गरम तेल में आप इसे फ्राई कीजिए. ये देखिए, ये है गरम तेल में मैं आधा आधा करके इसे फ्राई कर रही हूँ. अगर आप है ना इसे ओवर फ्राई करेंगे, मतलब अगर ज़्यादा आप अपना पैन को ओवर क्राउडेड कर देंगे तो ये चिपकते हैं और ये बहुत अच्छे से क्रिस्प फ्राई नहीं होते हैं फिर. तो हमेशा आप थोड़ा जितना आपका पैन का जो अमाउंट वो ले सकता है बस उतना ही आप चीज़ें हमेशा डालिए. ये देखिए, ये फ्राई हुए हैं, ये इतने क्रिस्प होते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं और इतने झटपट का स्नैक्स है ये. और इसमें ऐसा भी नहीं है जैसे फ्रेंच फ्राइज कभी हम रखते हैं नरम हो जाते हैं, सही नहीं बनते कभी. ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं. तो आप इसे चिकन के साथ सर्व कीजिए, ऐसे ही ब्रेकफास्ट में सर्व कीजिए, शाम के स्नैक्स में सर्व कीजिए. अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ. मैं ऊपर से इसमें डाल रही हूँ नमक, चाट मसाला और अगर आपको चाहिए तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं. ये डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च का पाउडर में मैं थोड़ा डालूँगी. अगर आपको फ्लेवर पसंद है, बड़े खा रहे हैं, बच्चे भी थोड़ा सा अगर लाल मिर्च, तो आप लाल मिर्च भी डालिए. और इसे आप सर्व कीजिए मायोनीज के साथ और टमेटो केचप के साथ, या आपकी जो फेवरेट डिप हो आप उसके साथ इसे सर्व कीजिए. बहुत ही झटपट सी, इजी और इतनी डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी है. ज़रूर ट्राई कीजिए बर्गर्स के साथ, चिकन के साथ, तंदूरी के साथ. इट टेस्ट ऑसम. सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स. मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. फिर इंशाल्लाह जल्द ही मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.